नमस्कार, मैं हूं अक्षय चव्हाण और आज हम बात करेंगे राजस्थान के डूंगरपुर रियासत की। डूंगरपुर दक्षिणी राजस्थान की एक महत्वपूर्ण रियासत हुआ करती थी। डूंगरपुर जो है वो जो राजस्थान का वागड़ रीजन है वहाँ पे सिचुएटेड है। ये जो वागड़ रीजन है वो जनरली एक घने जंगल का रीजन हुआ करता था और आज का राजस्थान और गुजरात के बॉर्डर में स्थित है। इनफैक्ट इसका नाम वागड़ भी, जो गुजराती शब्द है फॉरेस्ट के लिए, वहाँ से आता है। और ये जो वागड़ है वो कंप्राइज करता था डूंगरपुर, बांसवाड़ा और सम पार्ट्स ऑफ जो प्रतापगढ़ रियासत है उन्हें ये रीजन कंप्राइज करता था। यहाँ पे घने जंगल थे जैसे कि मैंने आपको बताया। यहाँ पे बनास नदी जो यहाँ से गुजरती है उसका काफ़ी प्रभाव है इस पूरे क्षेत्र पर। और यहाँ की जो ज़्यादातर आबादी है वो भील समाज से है। अगर हम वागड़ रीजन का जो प्राचीन इतिहास देखें तो ये बहुत ऐतिहासिक आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के मुताबिक यहाँ पे ऑलमोस्ट हमें 100,000 साल पहले यहाँ पे मानवी इनहैबिटेशन हुआ करता था। ह्यूमन इनहैबिटेशन के हमें अवशेष आर्कियोलॉजिस्ट को मिले हैं। पर अनफॉर्चुनेटली जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है यहाँ पे रूलिंग पावर्स का, यहाँ पे जो पॉलिटिकल एंटिटीज़ हुआ करती थी, राजा और रियासतें हुआ करती थी, वो हमें सिर्फ 10वीं शताब्दी के बाद ही मिलते हैं। इसका एक एक्सेप्शन ये है कि हमें अराउंड 4वीं-5वीं शताब्दी में काफ़ी यहाँ पे कॉइन्स मिलते हैं जो क्षात्रप राजाओं के हुआ करते थे। अब ये जो क्षात्रप है ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ये जो क्षात्रप है ये शाका, जो शाका ईरा है और जो शाका जो एक ट्राइब थी, कम्युनिटी थी, वो जो सेंट्रल एशिया से आई थी और फिर वहाँ से ईरान, ईरान से अफगानिस्तान और फिर अफगानिस्तान से ये जो गुजरात और राजस्थान का जो पूरा क्षेत्र है वो शाका राजाओं के अंडर था, तो उनके काफ़ी हमें कॉइन्स मिलते हैं। पर अगर आप देखें तो ये जो वागड़ के जो लोकल राजा हैं उन उसका फर्स्ट रेफरेंस हमें मिलता है 10वीं शताब्दी में। अगर आप देखें तो जो वागड़ रीजन है उसके उत्तर में उदयपुर था, मेवाड़, उसके दक्षिण में है गुजरात और उसके ईस्ट में है मालवा, जो परमार राजा धार से राज किया करते थे। सबसे फेमस जो परमार राजा थे वो थे राजा भोज, जिन्होंने भोपाल बसाया था, जिन्होंने धार में भोजशाला बसाई थी। तो इस परमार राज परिवार का ही एक ब्रांच हम कह सकते हैं ये वागड़ पर रूल किया करता था और उन्हें परमार ऑफ वागड़ ऐसा रेफरेंस हमें मिलता है। अनफॉर्चुनेटली हमें ज़्यादा डिटेल्स नहीं मिलते हैं कि उन राजाओं के, अनफॉर्चुनेटली उनके कार्यकाल के ज़्यादा अवशेष या मंदिर नहीं बचे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जब अटैक्स होते हैं, इन्वेजन्स होते हैं तो वो नष्ट हो जाते हैं। तो समय के साथ अनफॉर्चुनेटली काफ़ी चीज़ें परमार काल की नष्ट हो चुकी हैं। पर हमें अगर आप देखिए, अगर आप रिकॉर्ड्स चेक करें मालवा के या गुजरात के, तो हमें काफ़ी रेफरेंसेस मिलते हैं कि जो अहिल्यावाड़ पाटन है वहाँ के जो चालुक्य या सोलंकी राजा है उन्होंने वागड़ पर काफ़ी बार हमला किया। फिर जो परमा धार के जो परमार राजा थे उन्होंने काफ़ी यहाँ पर हमले किए। तो एक कॉन्फ्लिक्ट जोन हम कह सकते हैं बिटवीन गुजरात एंड मालवा, बिकॉज दोनों इस रीजन को कैप्चर करना चाहते थे। पर ये हो गया द रूलिंग फैमिली। बट जैसे मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पर ज़्यादातर जो भील समाज के गांव हुआ करते थे और उनका जो मुखिया हुआ करता था वो विलेजेस में रूल किया करते थे। जो राजा थे उनका जो डिटेल कंट्रोल था वो बहुत ही नॉमिनल हुआ करता था। 12वीं शताब्दी में हमें ये रेफरेंस मिलता है कि सामंत सिंह करके एक योद्धा थे जो मेवार राज परिवार से थे। मेवार राज परिवार जो भारत का सबसे प्रमुख राज परिवारों में से एक है, जिसमें महाराणा प्रताप हुए, राणा सांगा हुए, राणा कुंभा हुए,
तो वो जो राज परिवार है उसे गुहिल या गुहिलोत राज परिवार कहा जाता है। तो उसी परिवार का एक सदस्य सामन सिंह इस वागड़ में आए और उन्होंने 12वीं शताब्दी में अपना राज्य बसाया। उनके जो वंशज थे उनके बारे में हमें बहुत ज़्यादा तो नहीं पता है। हमें दंत कथा में, आई मीन, इसका अनफॉर्चुनेटली कोई हिस्टोरिक रिकॉर्ड नहीं है, पर जो लोकल फोक स्टोरीज है उसमें एक कहानी है कि सामन सिंह के एक वंशज थे महारावल देवपाल सिंह, और महारावल देवपाल सिंह के समय में डुंगरिया भील करके एक आदमी था जो आज का जो डूंगरपुर है उस पर उसकी कंट्रोल था। और कहानी के मुताबिक उसे छल और कपट से महारावल देवपाल सिंह ने उसकी हत्या करवा दी और इस डूंगरपुर क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। तो उस जो डूंगरिया भील की जो जो विडोज थी, जब वो सती गई तो उन्होंने राजा को श्राप दिया। तो तब राजा ने ये प्रॉमिस किया कि जब भी डूंगरपुर महारावल का की ताजपोशी होती है, जब वो गद्दी पर बैठते हैं, तो इस डूंगरिया भील के ही वंशज उन पर तिलक लगाएंगे, राज तिलक लगाएंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये एक कहानी है, अनफॉर्चुनेटली इसके एविडेंसेस हमें नहीं मिलते हैं, बिकॉज कुछ और लोगों का मानना है कि डूंगर सिंह करके जो राजपूत राजा थे उन्होंने डूंगरपुर बसाया। तो ये दो ओरिजिन स्टोरीज हैं डूंगरपुर की। अगर आप देखें तो डूंगरपुर के उत्तर में ही जो मेवाड़ का राज है, मेवाड़ का जो राजा है वो अब 13वीं शताब्दी के बाद एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग और पावरफुल राज्य था। प्लस ये जो डूंगरपुर राज परिवार है वो उसी परिवार से था, तो डूंगरपुर और मेवाड़ के काफ़ी क्लोज रिलेशंस थे। एक इंटरेस्टिंग बात हमें ये मिलती है कि 1303 में जब अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर हमला किया था, अब ये वो कहानी है पद्मावत की। आई मीन ऑब्वियसली रानी पद्मिनी उसमें, आई मीन, काफ़ी हिस्टोरिक कंट्रोवर्सी है, बट जो पद्मावत में जो हमें कहानी बताई जाती है कि अलाउद्दीन खिलजी ने एक बहुत बड़ी फौज लेकर चित्तौड़ पर हमला किया, तो उस चित्तौड़ की लड़ाई में जो चित्तौड़ को डिफेंड करने वाले वीर सिंह देव करके जो डूंगरपुर के राजा थे वो भी उसमें शामिल हुए, और हमें ये रेफरेंसेस मिलते हैं कि वो उस लड़ाई में मारे गए। उसके बाद हमें ये भी पता चलता है कि जो अलाउद्दीन खिलजी की फौज है उसने डूंगरपुर पर हमला करके यहाँ पर काफ़ी जो मंदिर थे वो तोड़े गए, यहाँ पे काफ़ी लूटपाट की गई, तो वो एक रेफरेंस है। उसके बाद अराउंड 160 साल बाद, 1460 का हमें और एक रेफरेंस मिलता है, वो है कुंभलगढ़ में एक इंस्क्रिप्शन है कि वो हमें बताता है कि जो महाराणा कुंभा है वो मेवाड़ के सबसे ग्रेटेस्ट रूलर्स में से एक थे, और उन्होंने कुंभलगढ़ किले की स्थापना की थी और काफ़ी किले बनाए थे, और जो मेवाड़ राज्य है उसका काफ़ी विस्तार किया था। तो ये 1460 का ये जो इंस्क्रिप्शन, कुंभलगढ़ का इंस्क्रिप्शन हमें बताता है कि 1460 में महाराणा कुंभा ने डूंगरपुर पर हमला करके उसे मेवाड़ के अंडर अधीन करके मिला लिया था। तो ये 1460 से जो डूंगरपुर है उसके जो किस्मत है वो मेवाड़ के से काफ़ी क्लोजली जुड़ी हुई थी। जैसे कि आप जानते हैं 1520s में मुगल शासक बाबर जो है उन्होंने हिंदुस्तान पर हमला किया, और जो दिल्ली के सुल्तान लोदी सुल्तान थे उनके शासन को हटाकर अपना राज्य को स्थापना की। तब मेवाड़ के जो राणा थे, राणा सांगा, उनका ये इंटेंशन था कि जितने भी राजपूत रूलर्स हैं उन सबका एक कोएलिशन बना के मुगलों को भारत से हटाया जाए। तो उन्होंने ये कोएलिशन बनाया, तब उसमें जो डूंगरपुर के उदय सिंह द फर्स्ट थे वो इस कोएलिशन में शामिल थे, और 1527 में द बैटल ऑफ खांडवा हुआ जो भरतपुर ज़िले में है, और वहाँ पे बहुत बड़ी जंग हुई। अनफॉर्चुनेटली बाबर के पास गन्स थी, गन पाउडर टेक्नोलॉजी थी जो उस समय हिंदुस्तानियों के पास नहीं थी,
और इसकी वजह से ये जो राजपूत कोएलिशन थी उसमें उसमें काफ़ी आई मीन उनकी बुरी तरह से हार हुई। काफ़ी लोग भारी संख्या में इनफैक्ट जो राजपूत वॉरियर्स थे वो मारे गए। और इस लड़ाई में जो डूंगरपुर के उदय सिंह द फर्स्ट थे उनका भी निधन हो गया। उनके निधन के बाद उनके जो बेटे थे उन्होंने राज्य को डिवाइड कर लिया विद बनास नदी एज द बॉर्डर। तो एक बेटे ने अपना राज्य बनाया डूंगरपुर और एक बेटे ने अपना राज्य बनाया बांसवाड़ा। और ये जो डूंगरपुर और बांसवाड़ा के जो रियासतें थी वो 1947 तक फिर ऐसे डिवाइड हुई और आगे चलती आई। अब हम आगे चलते हैं 50 साल, और ये जो मुगल एम्परर अकबर के शासनकाल का टाइम है। और मुगल एम्परर अकबर ने सारे राजस्थान के स्टेट्स मेवाड़ को छोड़ के उन पर हमला किया था और अपना कब्जा जमाया था। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब अकबर की फौज ने डूंगरपुर पर हमला किया तो उसके जो कमांडर इन चीफ थे वो थे जयपुर के मान सिंह, जो सबसे मेन जनरल थे। तो हमारा हमारा जो ये एक एक परसेप्शन बना हुआ है कि जब अकबर की फौज ने अटैक किया तो वो मुस्लिम या मुगल फौज थी, तो वो मुगल फौज थी बट उसमें काफ़ी तादाद में, इनफैक्ट उसके हेड मानसिंह थे और उसमें भी काफ़ी तादाद में जो राजपूत सोल्जर्स थे जिन्होंने डूंगरपुर पर अटैक किया। जो रावल अस्करण करके थे उस समय डूंगरपुर के शासक, उन्होंने मुगल फौज का और मानसिंह का डटकर सामना किया। बट बाद में उन्हें ऐसा लगा कि जो अकबर है वो बहुत ही पावरफुल है और मुगल फौज का ज़्यादा हम सामना नहीं कर सकते हैं, तो उन्होंने एक ट्रीटी की और इस ट्रीटी के अनुसार डूंगरपुर मुगलों को लगान या ट्रिब्यूट जिसे हम कहते हैं वो दिया करता था। 1600s का जो काल है उसमें एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये हो जाती है कि इससे पहले का जो काल है हम देख सकते हैं कि डूंगरपुर और मेवाड़ के काफ़ी अच्छे संबंध थे बिकॉज वो एक ही परिवार से थे। बट 1600s के बाद, 1609 के बाद मेवाड़ जो है वो डूंगरपुर पर अपना कब्जा जमाना चाहता है और काफ़ी हमले जो मेवाड़ की आर्मी के यहाँ पर होते हैं और काफ़ी समय तक जो डूंगरपुर और मेवाड़ है उसमें झड़पें होती हैं, झगड़े होते हैं और ये कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। आगे के काल में एक सिग्निफिकेंट घटना ये होती है कि 16 अब ये हम बात कर रहे हैं बादशाह औरंगजेब के टाइम की। 1681 में औरंगजेब के एक बेटे थे प्रिंस अकबर, जिन्होंने अपने पिता के खिलाफ रिवोल्ट किया था। तो कुछ समय तक जो वो प्रिंस अकबर जो है वो छुप कर डूंगरपुर में रहे थे और डूंगरपुर के जो राजा है महारावल जसवंत सिंह, उन्होंने प्रिंस अकबर को शरण दी थी। बट बिकॉज ही वॉज बींग परस्यूड बाई द मुगल आर्मी, फिर प्रिंस अकबर को महाराष्ट्र में और फिर यहाँ से पर्शिया जाना पड़ा था। पर ये जो हम 1600s के आगे का जो काल हम की बात कर रहे हैं, तो ज़्यादातर यहाँ पे ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं हुई, ये एक शांति का समय था, मुगलों ने भी ज़्यादा इंटरफियर नहीं किया। पर 1707 में बादशाह औरंगजेब के निधन के बाद जब मुगल साम्राज्य टूटने लगा तो एक नई ताकत उभरने लगी, वो थे पेशवा बाजीराव हु लेड द मराठा आर्मी। और फिर मालवा, गुजरात और फिर आगे चल के राजस्थान पर मराठों ने रेड्स करना और अपने अपना हक जमाना शुरू किया। तो क्या हो गया कि डूंगरपुर दक्षिण में, गुजरात में बड़ौदा के गायकवाड़ और मराठे आए, ईस्ट में मराठे आए मालवा में, और उत्तर में जो कोटा है उदयपुर है वहाँ पर भी मराठों के अटैक्स होने लगे। तो ऑलमोस्ट तीन तरफ से डूंगरपुर जो मराठा रेडर्स हैं या मराठा अटैकर्स हैं उनसे घिर गया। तो जो डूंगरपुर के जो महारावल थे उन्होंने एक स्मार्ट डिसीजन लिया, उन्होंने कहा हम लड़ाई नहीं करेंगे मराठों के साथ, और उन्होंने जो बाजीराव पेशवा है उनके साथ एक ट्रीटी साइन की। एज पर दिस ट्रीटी वो 35,000 जो सिक्के हैं हर साल वो मराठों को लगान देने के लिए उन्होंने अग्री किया। और ये जो लगान था
वो जो धार के जो पवार राजा राज आई मीन जो सूबेदार थे, फिर आगे चल के वो राजा बने, तो उन्हें वो ट्रांसफर किया जाता था। तो ये जो 35,000 सिक्के हैं पर एनम, वो धार भेजे जाते थे और फिर वहां से पूना भेजे जाते थे एज ट्रिब्यूट या एज लगान। मराठों का और डूंगरपुर का ऐसा एक रिश्ता चलता रहा, पर बीच बीच में कभी कभी झड़पें भी होती थी, बिकॉज़ जब लगान के लिए अगर अकाल पड़ता था और अगर लगान नहीं दे पाते थे तो मराठास अटैक करते थे यहाँ पे। और आगे चल के आई मीन साम्राज्यों का उतार चढ़ाव होता है, तो जैसे मुगल साम्राज्य का उदय हुआ और फिर पतन हुआ, वैसे ही मराठा साम्राज्य का भी उदय हुआ और फिर पतन हुआ 1818 में, जब अंग्रेज़ों ने आफ्टर द थर्ड एंग्लो मराठा वॉर मराठा साम्राज्य ख़त्म किया। तो 1818 में बाकी राजपूत रियासतों ने भी जैसे कि ब्रिटिश सुजरेनिटी को एक्सेप्ट किया था, वैसे ही डूंगरपुर के जो महारावल है उन्होंने अंग्रेज़ों के शासन को एक्सेप्ट किया। इंटरेस्टिंग बात यह है कि वाइल जो डूंगरपुर के महारावल है उन्होंने अंग्रेज़ों को एक्सेप्ट किया, सबसे ज़्यादा विरोध अंग्रेज़ों को यहाँ के जो भील लोकल जो भील पॉपुलेशन है उन्होंने किया। और ऑलमोस्ट 1824 तक, मतलब अंग्रेज़ों के बाद तय होने के बाद और ऑलमोस्ट 6-7 साल बाद तक भीलों ने अंग्रेज़ अथॉरिटी को रेजिस्ट किया, और फिर अंग्रेज़ों को काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी भीलों को कुचलने के लिए। पर ये जो भील रेजिस्टेंस है अगेंस्ट द ब्रिटिश, ये हमें आगे भी देखने को मिलता है, क्योंकि 1857 में जब पूरे भारत भर में विद्रोह हुआ, तो ये जो पूरा जो भील बेल्ट है राइट फ्रॉम डूंगरपुर, बांसवाड़ा, फिर मालवा में, फिर दक्षिण में जो राजपिपला का जो एरिया है, तो यहाँ पर भी जो भील थे और जो काफ़ी लोकल चीफ्टन्स थे उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई की, बट जो डूंगरपुर राज परिवार है वो अंग्रेज़ों के साथ लॉयल रहा। 1857 का जो रिवोल्ट है वो कुचलने के बाद डूंगरपुर में एक शांति का समय आया, यहाँ पे ज़्यादा लड़ाइयाँ या कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं हुई। जो यहाँ के जो महारावल विजय सिंह थे उनके टाइम पे यहाँ पे रिफॉर्म्स की शुरुआत हुई, पर जो गोल्डन एज या एक प्रोग्रेसिव मॉडर्न पीरियड डूंगरपुर का शुरू होता है वो 1928 में होता है, जब डूंगरपुर के आखिरी महारावल महारावल लक्ष्मण सिंह गद्दी पर बैठे। और वो जो थे वो काफ़ी पढ़े लिखे थे, काफ़ी प्रोग्रेसिव विचार के थे, उन्होंने बहुत विकास किया डूंगरपुर में। डूंगरपुर इतनी बड़ी रियासत नहीं थी, यू नो, कंपेयर टू अदर रियासत्स ऑफ राजस्थान, बट महारावल लक्ष्मण सिंह की जो पर्सनालिटी थी वो एक लार्जर देन लाइफ पर्सनालिटी थी, तो जिसकी वजह से डूंगरपुर ने ना सिर्फ लोकल राजस्थान में बल्कि जो भारत में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। स्पेशली उस समय एक ऑर्गेनाइजेशन हुआ करती थी जिसे नरेंद्र मंडल या चेंबर ऑफ प्रिंसेस कहा जाता था, और महारावल लक्ष्मण सिंह जो है वो उसके बहुत ही सक्रिय सदस्य थे। और जो नेगोशिएटिंग कमेटी थी, जब भारत आज़ादी की तरफ बढ़ रहा था, तो जो ब्रिटिश अंग्रेज़ों के साथ, मुस्लिम लीग के साथ, कांग्रेस के साथ जो नेगोशिएशंस हुए उसमें महारावल लक्ष्मण सिंह ने बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाया। महारावल लक्ष्मण सिंह जो थे उनकी एक खास बात ये थी कि वो एक उन्हें आगे क्या होने वाला है उसकी समझ थी, वो एक दूरदर्शी हम कह सकते हैं। तो जब रियासतें विलीन होने वाली थी, जब भारत आज़ाद होने वाला था, तो उन्होंने बगैर विरोध के अपनी रियासत डूंगरपुर रियासत राजस्थान में विलीन कर दी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि रियासत राजस्थान में विलीन होने के बाद भी डूंगरपुर राज परिवार का राजस्थान के इतिहास में और भारत के इतिहास में एक रोल चलता रहा। और जब रियासत विलीन हुई तो एक राजस्थान यूनियन बना, तो उसके एक महत्वपूर्ण सदस्य थे महारावल लक्ष्मण सिंह। उसके बाद उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि अभी राजे रजवाड़ों का काल ख़त्म हो गया है और अभी नए राजे और रजवाड़े आए हैं, वो है पॉलिटिशियंस। तो उन्होंने जो भारतीय पॉलिटिक्स है, राजस्थान की पॉलिटिक्स है, उसमें वो एक सक्रिय सदस्य रहे, लेकिन
1960s में स्वतंत्र पार्टी करके एक सेंटर राइट पॉलिटिकल पार्टी थी, उसमें वो बहुत ही महारानी गायत्री देवी के साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल उन्होंने निभाया। वो एमएलए थे राजस्थान असेंबली में और स्पीकर थे राजस्थान जो असेंबली के स्पीकर भी रहे, वो राज्यसभा के मेंबर भी रहे। और जो 1980s है उसमें महारावल लक्ष्मण सिंह जी का निधन हो गया। इनफैक्ट जो महारावल लक्ष्मण सिंह जी हैं उनके जो छोटे भाई हैं डॉक्टर नागेंद्र सिंह, वो एक डिप्लोमेट थे, उन्होंने भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभाया। इनफैक्ट जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है हेग में, तो 1970s में वो ही वॉज वन ऑफ द चीफ जस्टिसेस ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, और उन्होंने एक इंटरनेशनल स्टेज पे महत्वपूर्ण अपना योगदान निभाया। महारावल लक्ष्मण सिंह जी के बाद जो गद्दी पर बैठे वो उनके बेटे थे महारावल महिपाल सिंह जी। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो महारावल लक्ष्मण सिंह जी हैं उनके जो छोटे बेटे थे राज सिंह डूंगरपुर, वो एक बहुत प्रतिष्ठित क्रिकेटर थे, और फिर आगे चल के जो BCCI है बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया उसके वो चेयरमैन भी बने। और ऐसा ये कहा जाता है कि राज सिंह डूंगरपुर जो थे उन्होंने ही सचिन तेंदुलकर का के टैलेंट को डिस्कवर किया और उन्हें काफ़ी सपोर्ट किया। राज सिंह डूंगरपुर जो थे वो लता मंगेशकर के काफ़ी करीबी भी थे, उनकी काफ़ी घनिष्ठ मित्रता थी। पारिवारिक विरोध के कारण उन्होंने लता मंगेशकर उन दोनों ने आपस कभी शादी नहीं की, बट वो आजीवन दोस्त रहे, वो अपने साथ एक साथ रहे। बट ये जो अभी लता मंगेशकर जी के जो निधन के बाद जो काफ़ी कहानियाँ जो बताई जा रही हैं सोशल मीडिया पर राज सिंह डूंगरपुर और लता मंगेशकर के बारे में, ये सारी कहानियाँ सच है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, काफ़ी हमें रेफरेंसेस मिलते हैं कंटेम्प्रेरी अकाउंट्स में एंड ऑल कि वो काफ़ी करीब थे, वो शादी करना चाहते थे, बट का पारिवारिक विरोध के कारण उन्होंने ऐसा नहीं किया। आज भी जो डूंगरपुर राज परिवार है वो डूंगरपुर में है, उनके महल है, जो राज परिवार की जो लेगेसी है वो हम आज भी डूंगरपुर में देख सकते हैं। तो ये थी कहानी डूंगरपुर रियासत।